प्रदेश सरकार द्वारा परफॉर्मेंस ग्रांट का पैसा अवमुक्त होने के पश्चात सीडीओ इंजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान सीडीओ इंजीत सिंह ने कहा कि आज 37 ग्राम प्रधानों की बैठक की गई है, जिसमें उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका निस्तारण किया गया है। ग्राम प्रधानों को अपने पीपीआर भरने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, और सीसीओ जिसका कलर डिसाइड करने वाली है ग्रीन, तो जब आप उसमें बनाएंगे प्लान बनेगा जो साइट प्लान, तो उसमें दर्शाना है हमको कितने मीटर लंबी रोड बना रहा है, कितनी चौड़ी है और जितना बनना है ग्रीन से रंग देना है। जी ग्रुप करके उसमें ऐड कर दीजिए। तो उतना देखिए रूट प्लान में लिख दी किसके घर से किसके घर तक कितना बनना है, कितनी लंबाई चौड़ा उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कोरोना पे बोलना चाहूँगा। कोरोना में क्या है कि कोरोना में प्रॉब्लम कहाँ आती है, कब जाके ये नुकसान या घातक हो जाता है, जब हम कोरोना को मजबूत होने देते हैं अपने शरीर के अंदर। वैसे कोरोना से जो विजय पाई जा सकती है कमजोर वायरस है, लेकिन हमारी देरी इसको बहुत मजबूत कर देती है। पहले जैसे कोई परेशानी हुई, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम लोग सारा दिन कोरोना की जो मैनेजमेंट में लगे रहते हैं, और अभी भी मैं बता रहा हूँ हम लोग 10 से बैठे थे और यही कोरोना का एक एक पेशेंट एक एक हॉस्पिटल सबका पूछ रहे थे आपने कितना टेस्ट किया क्या किया, ये इसीलिए टाइम लग गया मुझे आने। तो उसमें जो मेरा अनुभव ये है कि कोरोना का जो देरी है वो बहुत महंगा पड़ेगा, तो हमें इसमें देरी नहीं होने देना। मान लो किसी को बुखार आता है, सिम्टम आता है जिसे बोलते हैं, मुंह का स्वाद चले गया, गला खराब हो गया और बुखार टूट नहीं रहा है, उसको तुरंत कोरोना की जांच करा दे, और जांच अगर पॉजिटिव आ गई है तो सरकार ने जो दवाई फिक्स की है वो है आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन एक कीड़ों की दवाई है, बच्चों को खिलाई जाती थी। एक है डाइऑक्सीसाइक्लिन, एंटीबायोटिक से बड़ी माइल्ड सी, और ढेर सारा विटामिन सी है, जिंक है और मल्टी विटामिन। अगर ये दवाई बहुत टाइम रहते ले ली जाए तो 90 से लेकर 95% लोग ठीक हो जाते, लेकिन इसको ना लेके लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जुखाम खांसी गला खराब को कैसे ठीक करते हैं, जो कोई क्रोसिन ले ली किसी ने मेडिकल स्टोर गया उसने जो गोलियां निकाल के दी वो खा ली, हो सकता है उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत स्ट्रांग हो, तो उसने 4-5 दिन का देरी कर दी, और ये जो 4-5 दिन की देरी है तब तक वो बहुत अंदर घुस जाता है। और कुछ लोग और भी देरी कर देते हैं फिर भी टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि एक बड़ा सारा इसके साथ सोशल स्टिग्मा इंग्लिश में बोलते हैं कि बहुत सारा डर सा बैठ गया है लोगों के अंदर, और वो अपना इलाज खुद करते रहते हैं, और ये बहुत ज्यादा हो रहा है हम लोग देख रहे हैं, और 10-11 दिन का वो डिले कर देते हैं तब जाके कोरोना की जांच कराते हैं, तब पता लगता है ये तो पॉजिटिव। अब इसमें क्या है कि ये कोरोना करता क्या, जब ये डिले करते हैं हम लोग तो जो हमारे ब्लड के क्लिनिकल पैरामीटर्स है उसमें इसको पकड़ा जा सकता है। मान लो किसी को शुगर थी या नहीं थी, हो सकता है उसकी शुगर बढ़ा दे, 200 थी वो 500 कर, तो अगर शुगर 500 पे चल रही है तो आपको पता होगा क्या लेना चाहिए, बताओ क्या लेते हैं उस समय, क्या क्या होता है शुगर किसी के अगर 500 है, इंसुलिन लेते, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है कि लगता है। अब कोरोना के कारण वो शुगर 500 हो गई, डॉक्टर आपको कैसे पता लगेगा जब ब्लड टेस्ट कराओगे कि नहीं कराओगे। अब हम लोग दवाई खा रहे हैं दूसरी मेडिकल स्टोर वाली, वहां करवाना क्या चाहिए था कि डॉक्टर से ब्लड टेस्ट करा के इंसुलिन लेके देख के शुगर बढ़ी है तो इंसुलिन ले लेनी चाहिए, या डॉक्टर लगवा देता इंजेक्शन और इंसुलिन कंट्रोल में हो जाती तो घातक ना हो। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कोरोना जो है आपके बॉडी के अंदर किसी की भी चेंज लाता है, और उससे हमें बचना है, और क्लॉट बनने से हार्ट अटैक आ जाता है, तो बेहतर है। और वो भी अगर ब्लड टेस्ट टाइम से हो जाए और एक चेस्ट का एक्सरे हो जाए कि एक्सरे में कहीं स्पॉट तो नहीं बन रहे, और उसी हिसाब से वो अपने मेडिकल डॉक्टर के पास जाए, ये जो नुकसान है बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं आपसे ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ
कि आपके क्षेत्र में कभी भी कोई आपके लिए आपको 5-5, 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो आप उनको तुरंत गाइड करिए कि भाई टेस्ट कराइए। टाइम पे ना आना अस्पताल में, डॉक्टर के पास, सही डॉक्टर के पास, क्योंकि कोरोना तो था नहीं। अब प्राइवेट डॉक्टर्स को ये सारे प्रोटोकॉल अभी नहीं पता क्योंकि कोरोना नहीं हुआ। कुछ एक अस्पतालों को पता जो कोविड का ट्रीटमेंट कर, इससे क्या होता है कि केस खराब, इससे बचना है अपने प्रभाव को बचाना है, बाकी लोगों को भी गाइड करना। विटामिन डी मिलता है वो भी लड़ने में हेल्प करती है। हमारे लाइफस्टाइल ऐसे हो गए कि हम धूप में जाते नहीं, अंदर ही अंदर रहते हैं, एसी कार में सब में, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आई। दूसरा देखिए आप लोग खुद ही बैठे हैं, 1 मीटर की दूरी नहीं, हाँ, जबकि कुर्सियाँ बहुत है यार। मास्क बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा अच्छे से लगा, ठीक है, स्वस्थ रहिए, प्रशासन का सहयोग करिए। मेरी अपील आप सब लोगों से, जहाँ भी टेस्ट हो रहे हैं लोगों को बोलिए टेस्ट कराइए जाके, क्योंकि जितनी जल्दी टेस्ट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, किसी का भी पॉजिटिव आ जाता है कोई फिर उसको बाहर भी निकल लेते, आइसोलेट हो जाएगा, इन्फेक्शन अपने आप स्लो होता जाएगा। सबकी जिम्मेवारी है ये लड़ाई लड़ना, और आप लोग का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग करोगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज की बैठक है इसमें हमारे यहाँ परफॉर्मेंस ग्रांट का सरकार ने पैसा सैंक्शन किया है, उसके DPR बनने हैं, और उसमें हमारे टोटल जनपद के 37 गांव हैं, उसमें से 10 जो GPs हैं ग्राम पंचायत है उन्होंने बना लिया है, और बाकी जो थे बाकियों ने आज अपना जो 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 भी उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो बैठक में बताई है, वो हमने उसका निस्तारण किया है और उनको अपने DPR बनाए।